मैसेज होस्ट को करना है, एडिल को टॉक टाउ से रिप्रेजेंटेटिव का सिंबल का टाउ 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 नहीं टाउ ठीक है। अगर टॉक है क्या जी मान लो ये इंटरनेट है ठीक है, ये क्या है नेट है। अब इस नेट को खोलने के लिए मैंने एक रेंच लगाया इसके एक्सिस और रोटेशन ही हुई। इसको खोलने के लिए मैंने रेंच लगाया, रेंच लगाने के बाद में मान लो मैं इस पे एयर फोर्स लगाता हूं एयर फोर्स लगाता हूं केस हो जाएगा एयर फोर्स लगाओ खुल जाएगा ये नट, इसका मतलब ये तो खुलेगा। अब मैं फिर बताऊं अगर मैं इस पे यहां फोर्स लगाऊं एफ मैग्नीट्यूड का यहां लगाऊं यहां लगाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी पोजीशन पे लगाने पे सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा तो बोल लीजिए थर्ड पीली इस बात की तो हाँ है ना, वरना तो ये रेंच लगाने की जरूरत ही आसे वैसे फोर्स लगाते थे आपकी ताकत थोड़ी बढ़ जाती है रेंच लगाने से, इट मींस कोई ना कोई चीज है जो बढ़ तो जाती है ठीक है। इट मींस जितनी ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो जो इसको खोलने वाली जो टेंडेंसी वो इंक्रीज करती जाएगी। आई बात समझ जब ये बात समझ में आ गई तो मैं एक चीज कहता हूं फोर से दो कंपोनेंट सबसे पहले आर वेक्टर क्या होगा, मान लो आपने फोर्स लगाया है यहां पे ये एफ फोर्स लगाया आपने यहाँ पे ठीक है, आर वेक्टर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये आर वेक्टर हो गया क्या लॉजिक समझ में आ गया आर वेक्टर समझ में आ गया। अब जब तुम्हें आर वेक्टर समझ में आ गया तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, मान लो ये एंगल थीटा है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा एफ कॉस थीटा और एक क्या होगा एफ साइन थीटा। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल इस नट को खोलने के लिए, एफ साइन थीटा है। ये तुम्हें पता चल गया जो टेंडेंसी है खोलने की, जैसे मैं टॉर्क खोल रहा हूँ वो जितनी ये ज्यादा डिस्टेंस है उतनी ज्यादा होगी है और फोर्स में वो परपेंडिकुलर भी खोल सकता है अलोंग द वेक्टर वाला तो खोल नहीं सकता, तो जो इसमें टॉर्क आएगा ना वो आएगा एफ साइन थीटा इनटू आर, आर क्या चीज है ठीक है। तो तुम्हें पता ही है जब तुम दरवाजा खोलते हो तो दरवाजे के जो हैंडल है वो इस कॉर्नर पे लगा होगा ताकि कम से कम फोर्स की लागत को खोलो, तो ये तो किसी का रहता है कि दरवाजे में हैंडल लगा क्या फोर्स क्योंकि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर बोल पाओगे इसको आई बात समझे याद है पास में ऐसे भी सकता हूँ ऐसे भी सकता हूँ
लिखने में क्या दिक्कत है, 2 into 3 into 4, 4 into 2 into 3, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब एक चीज समझो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एफ ऑफ का क्या है सपोर्ट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ध्यान से देखो और ये बताओ, यहां से इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल की क्या होगा, ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ कितनी होगी, आर आर साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं आर्म लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म लेंथ बोलते हैं। अब आर्म लेंथ क्या किसके बराबर आ गया, आर साइन थीटा, तो याद रखो टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू आर्म लेंथ, टॉर्क क्या होता है, तुम क्या लिख सकते हो, फोर्स आर्म लेंथ किसके बराबर है, आर साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले आपने फोर्स के कंपोनेंट की इनटू आर किया पोजीशन वेक्टर की लेंथ, दूसरा क्या किया आपने, फोर्स और आर्म लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकाला, आर लेंथ निकाली, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही चीज आई। एक चीज बताओ, इस फोर्स के लगाने के कारण ये नट ऐसे घूमना चाहिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, F cross R, क्योंकि टॉर्क कैसी क्वांटिटी, या आप क्या लिखते हो, टॉर्क इक्वल टू R cross F, फटाफट ये डिसाइड करके बताओ कि कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड, जबकि टॉप की डायरेक्शन है कौन सी, तो अगर तुम आर क्रॉस एफ करोगे तो आएगी बाहर की तरफ, तो पता चल गया कौन सा सही है, कौन सा सही है, और ये क्या है, गलत है। तो टॉप किसके बराबर होता है, R cross F के बराबर होते हैं, R में पता चल गया। अब बात ये कि टॉर्क पर क्या हो रहा है, थोड़ी एक बेसिक बात करता हूँ तभी फील हुआ है उत्तर क्या रहा है। मेरे को एक बात बताओ, तुमने वो पढ़ा ना ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था तुमने, एक बात बताओ, कोई चीज बिना फोर्स के चल सकती है क्या, क्यों चल रही है, चलती रहेगी बिना फोर्स लगे थी, हाँ कोई चीज रुकी हुई है तो क्या उस पर फोर्स लगाना जरूरी है क्या, नहीं, कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, फोर्स किस लिए चाहिए होता है, मोशन को चेंज करने के लिए, फोर्स किस लिए चाहिए, और फोर्स कितना मोशन चेंज करेगा, आया ना, गुड मॉर्निंग, फोर्स कितना मोशन चेंज करेगा,
फोर्स कितना मोशन चेंज करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया पे। इनर्शिया पे तो डिपेंड करता ही है, आया ना? एफर्ट रिक्वायर्ड टू चेंज मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनर्शिया। अब ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया क्या चीज होती है? मास। मास। अब तुमने कभी ऐसा देखा है कि जो सिलेंडर वाला सिलेंडर लेकर आता है वो गिराने के बाद में ऐसे लियो लुका के लेके आता है? मास तो चेंज हुआ नहीं ना, वो ऐसे रखने के बाद यू कैन लुड़का के लेके आता है भाई। कभी देखा है लुड़का के लेके आया? मास तो सेम ही है, ले जाना भी आपके घर पे ही है, तो फिर ऐसे घुमा के ले आए, किसने बना दिया उसको? ऐसे क्यों लेके आए? इसलिए क्योंकि जब वो ऐसे लेके आएगा ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि अब जो इनर्शिया का फैक्टर प्ले कर रहा है रोटेशनल मोशन के अंदर वो मास ही नहीं करता, कुछ एक अलग चीज है जिसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पिछले तुमने 3 लेक्चर में पढ़ा। क्योंकि अब वो इनर्शिया भी पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, जबकि ट्रांसलेटरी मोशन में तो सिंपल मास ही था, तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी उस इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया वाज इक्वल टू मास इन ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन रोटेशनल मोशन में वही इनर्शिया और कोई चीज होती है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से के अबाउट मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं बताया इस एक्सिस के अबाउट मास पास पास में तो इनर्शिया कम होगा, इस एक्सिस घूमेगा तो इसी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बस यही लॉजिक है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में? तो पहले हमने पढ़ा इनर्शिया, तो जिसे बोलते हैं एकदम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जो मास है वही रोटेशनल मोशन के लिए एनालॉगस क्या चीज है? उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर के लिए जो एक्सीलरेशन होता है ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन, अब इसमें क्या चीज होगी? रोटेशनल एंगुलर एक्सीलरेशन है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सिंपल है डी ओमेगा बाय डीटी। ये तो सर्कुलर में पढ़ी रखा है तुमने, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड है, एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, 3 सेकंड सब पढ़कर कर चुके। तो सर्कुलर में हमने ये जो घुमाने वाली जो चीज थी ना अल्फा, हमने सिंपल अल्फा पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा अल्फा किस चीज के कारण इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, बिल्कुल काइनेमेटिक्स की तरह। ये पहले हमने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि ये एक्सेलरेशन हो रहा किसके कारण। मैंने तो ऐसे ही पढ़ाया था तुम्हें पहले, आया ना? पहले लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं उसके बाद में वो पढ़ते हैं, मैंने उल्टा कराया था ना तुम्हें पहले मैंने क्या कराया? काइनेमेटिक्स करवाएंगे पहले? yes, करवाई होगी, वरना मैं हमेशा लॉज ऑफ मोशन पहले करवाता, कोई बात नहीं, ऑनलाइन के चक्कर करवा दिया। ठीक है, अब सुनो यहां तक बात है। अब मैं कहता हूं कि ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आ गया तुम्हें, तो पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी और फिर काइनेमेटिक्स में एक्सीलरेशन पढ़ा और फिर उसका कॉजिंग एजेंट ढूंढ लिया, दैट इज फोर्स, और उसके लगने से कितना एक्सीलरेशन होता है ये पढ़ लिया। ऐसे हमने पहले सर्कुलर पढ़ लिया, उसमें अल्फा पढ़ लिया, ओमेगा पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ा यार ये अल्फा इंक्रीज कैसे होता है, ये डिक्रीज कैसे होता है, ये जीरो कब होगा, इसका कॉजिंग एजेंट क्या है? मतलब अब इसका कॉजिंग एजेंट क्या है? टॉर्क। अब जैसे एफ इक्वल टू एम ए है, वैसे टॉर्क किसके बराबर होगा? आई इंटू अल्फा। एफ इक्वल टू एम ए वैसे टॉर्क किसके बराबर है? आई इंटू अल्फा। एनालॉगस चीजें तो इनर्शिया, इनर्शिया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कॉजिंग एजेंट, कॉजिंग एजेंट। और इसको भी पहले ये तो चीज सॉल्व करना सीखे, ये है कितना अलग कितना आ रहा है, तभी तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। मेरे बात समझ में आ गई? जिसको ये समझ में आ गया इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो तुम्हें आ ही गया, दूसरा लोगों को ये समझ में आ गया टॉर्क कैसे निकलता है यह आ गया। एल्फा तुमने पढ़ी रखा है, उनके लिए रोटेशन एकदम आसान है, बाकी दुनिया बोलते कि रोटेशन बहुत टफ है, बाकी सिंपल सेम फॉर्मूले यूज होते हैं जैसे किसके अंदर यूज होते हैं, बस क्लेवरली क्या फाइंड करना होता है? टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे पॉइंट्स के अबाउट फाइंड करना पड़ता है जहां से कैलकुलेशन सबसे आसान।
बस आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या लॉजिक सर? यस सर। पक्का? यस सर। एवा बताओ, अगर किसी चीज पे टॉर्क ना लगे तो उसका अल्फा भी जीरो होगा और ओमेगा भी क्या होगा? जीरो है तो जीरो रहेगा और कुछ है तो वही रहेगा। जैसे मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ू, क्या ये अपने आप घूमने लग जाता है? मतलब टॉर्क एक रोटेशनल मोशन को चेंज करता है ना। टॉर्क क्या करता है, कौन से मोशन को चेंज करता है? अगर देखो आप इस पे एवा होता, क्या इस पे कोई टॉर्क लग रहा है? हवा में तो कहीं नहीं घूम के जा रहा। इसका मतलब इसके ऊपर mg का टॉर्क क्या है? फ्री फॉल के अंदर जीरो, एक ही फोर्स लग रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको यूं घुमा के छोड़ दूं तो एक ही स्पीड से, मैं इसको घुमा के छोड़ूंगा उसी स्पीड से घूमता रहेगा। ये देखो, तुमने देखा इसकी स्पीड को बहुत जाती है? देखो ये देखो, और धीरे धीरे घूमेगा, धीरे धीरे और धीरे धीरे और धीरे धीरे आया ना। इट मीन्स इस पे टॉर्क जीरो है, तो जो ओमेगा इसके पास है वो इसके पास रिटेन रहेगा। क्या बात समझ में आएगी? यस सर। कब तक? जब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो वो तो बिल्कुल वेरिएबल मास प्रॉब्लम टाइप की होगी। हाँ आया ना कि मास चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज करना मैं नहीं सिखा रहा, इसलिए मैं सिंपल बात कह रहा हूँ। तो ये बात बताओ, बताओ टॉर्क क्या चीज है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है? रोटेशन मोशन को चेंज करती है। अब समझ में आ गया, एकदम बेसिक डेफिनेशन मिल गई। इससे बेसिक डेफिनेशन कुछ हो नहीं सकती, ठीक है? अब ये सारी कहानी लिख लो, कितना टाइम चाहिए? कहानी भी चाहिए मेरे को। देखो एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना, ओ पॉइंट क्या होगा? एक है एफ वन फोर्स, एक है एम टू फोर्स, एक है एफ थ्री फोर्स। एक ओ वन पॉइंट है, मेरे को बताओ ये O1 पॉइंट क्या होगा? F2 का टॉर्क क्या होगा? जीरो। F1 का क्या होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होगा यार। इस पॉइंट का वोट इसको हिंज रखोगे, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, सिंपल बात है। F3 फोर्स का टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस पॉइंट पे हिंज करके रखो, ये वाला फोर्स होगा, इन दोनों को भूल जाओ, तो ये वाला जो फोर्स है इसको कैसे घुमाएंगे? ऐसी टेंडेंसी देगा, जैसी टेंडेंसी देगा वैसा टॉर्क है यार, सिंपल बात है। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। फिर से सुन लो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्स को भूल जाओ, ये फोर्स अगर तुम लगाओगे तो कैसे घूमेगा? तो बस टॉर्क जीरो है ना यार, मूव करने की बात नहीं, घूमने की बात कर रहा हूँ, दोनों बातों में अंतर। इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है, मतलब की लगा के टूट गया। अब अगर मैं यहाँ से ये वाला फोर्स करूँ तो इसके अभी इस मोमेंट पे टेंडेंसी क्या होगी, कैसे घूमने की होगी? एफ वन के कारण इन दोनों को भूल जाओ, अच्छा इधर जाएगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हिंज कर रहा था तो ऊपर जाएगा कैसे, घूमेगा कैसे इस मोमेंट पे? यूं घूमेगा। अरे यार सिंपल बात है, पता नहीं तुम भी क्या सोचते हो। यहाँ पे यू हिंज कर रखा है, मैं इस पॉइंट पे अगर इधर फोर्स लगाऊ, देखो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ है ना, इधर फोर्स लगाऊ तो ये कैसे घूम रहा है? ऐसे नहीं घूम रहा, नहीं अरे बात समझे। अब यहाँ पे है इस पॉइंट पे अगर मैं इधर फोर्स लगाऊ तो ऐसे नहीं घूम रहा इस मोमेंट पे, सिंपल बात है यार, कॉमन सेंस वाली बात है। तो एफ थ्री का टॉर्क कैसे इस मोमेंट पे? एंटी क्लॉकवाइज। एफ टू का क्या है और F1 का क्या है? O2 पॉइंट क्या वो? F3 का टॉप कैसा है? F3 का एंटी क्लॉकवाइज। F2 का एंटी क्लॉकवाइज और F1 का क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से यार
कैसे बातें करते हैं इस पॉइंट के अबाउट, इंच कर दोगे नीचे वाले पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे ही तो घूमेगा इस मोमेंट पे, ऐसे कैसे घूम सकता है ये बता तुम्हें, इस पॉइंट के अबाउट अगर तुमने लिया और तो नीचे वाले पॉइंट पे फोर्स लगेगा तो इसकी टेंडेंसी ये भी घूमने की हो सकती है ना इस मोमेंट पे, ऐसे कैसे घूम सकता है, जैसे ये पॉइंट हिंज है तो इस पॉइंट पे पकड़ के फोर्स इधर लगाए नीचे वाले पॉइंट पे तो ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे कैसे घूमेगा ये बता, इसे जरा समझा दे मेरी जिंदगी में। अब एक चीज सोचो, एक ही फ्रेम में अलग अलग पॉइंट पे अबाउट, इसी फ्रेम में एफ टू कट ऑफ इस पॉइंट के अबाउट तो क्या है जीरो, और इसके अबाउट क्या है नॉन जीरो, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉप कैसा है क्लॉकवाइज, और इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉप क्या है क्लॉकवाइज, इसका मतलब टॉर्क में बोले यार इस पे कितना टॉर्क लग रहा है आप कब तक नहीं बता सकते, जब तक ये नहीं बताया जाए कौन से पॉइंट के अबाउट आया ना, तो एक ही फ्रेम के अंदर मेरी बात सुनना, एक ही फ्रेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशनल पॉइंट से सेम फोर्स का अलग अलग टॉर्क होगा, क्या लॉजिक समझ में आया, तो आपको क्या फाइंड करना है हमेशा कौन से पॉइंट के अबाउट आपको क्या कैलकुलेट करना है टॉर्क करना है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लिखो ये बस टॉर्क ऑफ सेम फोर्स, टॉर्क ऑफ सेम फोर्स अबाउट डिफरेंट पॉइंट इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस may be different, unlike force. जैसे force same frame में हमेशा same ही रहता है ना? Yes sir. लेकिन एक ही force का torque अलग-अलग होगा अलग-अलग point के ऊपर. Example, ये बना लो. और फिर पता क्या लिखोगे? पता ही है तुम्हें? Torque of F2 about O1 is zero, but about O2 is not zero. आया ना, दूसरा एग्जांपल टॉर्क ऑफ F1 अबाउट O1 इज क्लॉकवाइज व्हाइल अबाउट O2 इज एंटी क्लॉकवाइज, लॉजिक समझ में आ गया? यस सर आ गया, तो लिख समझ में आ गया? आ नहीं था है एकदम सिंपल, एक्चुअली बहुत ही कॉमन है ना, अगर तुम ढंग से आराम से सोचो ना डे टू डे लाइफ से रिलेट करके एकदम आसान है। अब कुछ टॉर्क निकालते हैं, ठीक है, कुछ चीजों के लिए टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, अगर वो आ गया तो बस काम हो जाएगा। जैसे तो वैसे सी सॉ देखा, सी सॉ जानते हो क्या होता है? सी सॉ चलो इसका नाम बताओ, सी सॉ क्या होता है? आईसीआई सॉ सामने
तो ये जो सी सॉ यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई प्रॉब्लम बात ये रॉड हॉरिजॉन्टल कब रहे जब दोनों साइड वेट इक्वल जब टॉप इक्वल वेट इक्वल नहीं है देख मैं वेट इक्वल करता हूँ इस पॉइंट पे मैंने एक बंदे को बांध दिया बैठा दिया जिसका मास है 20 और इस पॉइंट पे मैंने एक बंदे को बैठा दिया जिसका मास है 30 तो तुमने देखा होगा सीट सॉ में कई सीट्स लगा के रखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 फिर लॉजिक क्या है ज्यादा एक साथ खेल गए इसे कौन से पॉइंट के अबाउट ये चीज घूमेगी इसके अबाउट घूमेगी इसका एमजी इधर लग रहा है अभी ये बताओ ये रॉड इस सिचुएशन में रहेगी या फिर किस सिचुएशन में रहेगी अगर ये दोनों बैठ दोनों की डिस्टेंस पे बैठ रहे हैं आज पहले तो तुम मास भी बोल रहा था यार सर मास और डिस्टेंस तो सिंपल बोल रहा टॉर्क आया ना सिंपल क्या बात है टॉर्क स्पीड कर 200 न्यूटन लग रहा है यस सर इस पॉइंट का कोई इसका टॉर्क क्या होगा 800 सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो टेंशन कितना है 800 इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क कितना है 2000 तो कौन सा टॉर्क बना गया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये रॉड ऐसे हां बात है सर हां अब इसमें 40 केजी वाला है इस 40 केजी को तुम बैलेंस करना चाहो तो इस 40 केजी का भी टॉर्क कितना होना चाहिए 800 तो कहां बैठना चाहिए तो यहां बैठा देंगे जो बैलेंस हो बात सही है सर यस हो गया कल आइए बंदा सोचता है नहीं यार ये टीम है और तू पांच पे बैठा अब इसका टॉप कितना हो गया उसका क्या हो गया अभी रॉड कैसे जाएगी जबकि इसका मास है तो तुम एक चीज देख रहे हो रोटेशन में जो एडजस्ट कर रहा हूँ फोर्स नहीं कर रहा हूँ टॉप कर रहा है ना मतलब लॉजिकली तो और कोई चीज हो जाए नहीं चाहिए अब मेरे पास क्या है ये रजा है एक बंदा 10 केजी का और उसको कहां पे बैठा होता कि रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाए हां एक और को बैठा दे ताकि रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाए तो एक 2 पे बैठा दो तो 200 हो जाएगा आया ना अगर मान लो इसका मास हो जाता 5 केजी पोजीशन आ गई कि किस पोजीशन पे बैठाना चाहिए ताकि नेटवर्क क्या हो जाए जीरो और ऐसे अगर तुम खुद खुद सारे एग्जांपल कर लोगे तो तुम्हें टॉर्क भी निकालना आ जाएगा अब जैसे तुमने एक फोर्स के लिए निकाला दो के लिए निकाला एक टीम के लिए निकाला ऐसे तो 10 के लिए निकाला किसने मना किया क्या लॉजिक समझ में आ गया क्या सी शॉ का एग्जांपल समझ में आ गया ठीक है बना लो ये सी शॉ का जो एग्जांपल है ना ये एक्चुअली टॉप के अंदर एकदम इनसाइड दे देता कि हो गया और
तो इसके अंदर भी आपने एक चीज पहले फाइंड की क्या कि टॉप कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहा है आपको पता है कौन से पॉइंट के अबाउट एजी टू में भी तो उसी के अबाउट आपने क्या किया उसका टॉप इसलिए तुमने देखा होगा कि मान लो आपको एक पत्थर है इस पत्थर को उठाना है बड़ा मुश्किल काम है इस पत्थर को उठाना तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक पत्थर लेते हैं और एक रॉड लेते हैं और ये काफी ये डिस्टेंस कम होती है ये डिस्टेंस ज्यादा होती है और फिर इस पॉइंट पे इधर फोर्स लगाते हैं तो इस पॉइंट पे अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो अगर ये 10 न्यूटन का टॉर्क होगा और ये डिस्टेंस है 5 मीटर की तो इसका टॉर्क कितना हो गया 50 आया ना ये डिस्टेंस है मान लो आधे मीटर की तो ये कितने वेट को बैलेंस कर सकता है 5 और ये है 1 केजी के कोरेस्पोंडिंग ये है 5 केजी के कोरेस्पोंडिंग अगर इसका वेट 5 केजी भी है अगर आप इसे थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस के लगाओगे तो 5 केजी से ज्यादा फोर्स इसके ऊपर की तरफ लग जाएगा यस सर सही गिर जाएगा यार आए यस कैलोरी संग यार है ना हर जगह ऐसे ही किया जाता है ना जैसे कील भी लगी होती है वो कील निकालना मुश्किल होता है ऐसे लगाने के बाद पास में लगाने के बाद में दूर लगा यस ताकि उचित बार निकलते हैं आया ना यस लॉजिक आ गया सर यस सर ठीक है तो मैंने कहा हम टॉर्क यूज लेते हैं लेकिन अननोइंग अब एक और एक व्हील है इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है F1 इक्वल टू 10 रेडियस इसकी 2 मीटर F2 is equal to 20 minutes. F3 equal to 5. ये 45 है. Net torque बताओ O point के लिए. Find net torque O point. F2 का भी 20 है और F3 का 20 और F3 का 10 ठीक है सही
तो सिंपल तरीका है, जैसे एक डायरेक्शन के फोर्स को ऐड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस करते हैं, क्लॉकवाइज टॉप को क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, या एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस कर दो क्लॉकवाइज वाले को क्या कर दो माइनस कर दो। अरे यार दो पाक लगाए इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे को जिसे बोलते हैं इफेक्ट को एनहेंस ही कर रहे हैं, हाँ या ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो कैंसिल कर देंगे टॉप, नहीं है बात ट्वेंटी का तो टॉप 20 आएगा कैसे आप लेते हैं या फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो एक टेंजेंट के नॉर्मल वही की बात हो गई ना यार, वही तो मैं कह रहा हूं या तो फोर्स के कंपोनेंट कर लो रेडियस वेक्टर के टेंजेंट के अलावा कर लो परपेंडिकुलर के अलावा कर लो, हां या ना बात समझ गए या फिर सीधा आप लेंथ निकाल लो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कि 10 आ जाएगा, हां या ना, या फिर आप क्या कर सकते हो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये इसको करीब डालोगे ये 30 डिग्री है ये 30 डिग्री आएगा ये डिस्टेंस 2 होते डिस्टेंस क्या जाएगी 1 तो फोर्स इनटू आर लेंथ क्या जाएगा। अब देखो जो टॉर्क इसका होगा 10 इधर है इसका, इसका टॉर्क इधर कितना है 20, इसका टॉर्क इधर कितना है 20, ये तो गए कैंसिल, अब सिर्फ इसका ये कितना है 5 × 10 है टॉर्क नेट, क्वेश्चन लिखो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल find the torque of mg, find the torque of mg about point of projection, find the torque of mg about point of projection when the particle is at when the particle is at highest position, mass of the particle is m, mass of the particle is m, karo solve, कौन सा हाँ
वही करना समझ में आ गया। देखो वी नॉट वेलोसिटी एंगल थीटा, ये कुछ ऐसे जाएगा सर। इस पॉइंट पे कॉस कुछ है ना, एमजी तक लगेगा इस टाइम पे। यस सर। ये वाले डिस्टेंस क्या होगी, रेंज रहा हाफ, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यस सर। ये डिस्टेंस के लिए रेंज का हाफ, रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर टाइम साइन 2 थीटा में, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इनटू fg। जस्ट ये जमीन पे टकराने वाला उस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो रेंज पूरी पूरी किसी भी t टाइम पे चाहिए, तो ये वेलोसिटी v नॉट cos θ है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी mg, तो यही रहेगा निशान। तो v नॉट cos θ into t ये तो आर्मेट हो जाएगी इनटू एमजी या लेटा। क्या हो रहा है जी, नहीं एक बात समझे, आगे बात समझे, ऐसे जरा कुछ भी दो आपके जो भी करना है। एक से लेके बीस तक इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ ना आज जो करा समझ में आ गया।